हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। इसके पहले के वीडियो में हमने फ्लोरोसेंस की थ्योरी के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लोरोसेंस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके वजह से फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी कम हो जाती है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा सबसे पहला फैक्टर होता है इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से क्या इफेक्ट पड़ता है फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी पे? तो इसमें दिया हुआ है आपका मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीजेस फ्लोरोसेंस ड्यू टू हायर कोलाइजन एंड मॉलिक्यूल्स हैविंग रिजिड स्ट्रक्चर इंक्रीजेस फ्लोरोसेंस। तो इसका कहने का क्या मतलब है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होता है वो फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होगा तो उसमें कोलाइजन के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर कोलाइजन ज़्यादा होगा तो फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोलाइजन डीएक्टिवेशन के फेनोमेनन पे चले जाते हैं। इसीलिए अगर किसी भी स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी तो वो फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी को कम कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर रिजिड है, अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो उससे फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे मॉलिक्यूल्स में कोलाइजन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये आपका एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो पहला स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है ये है आपका 1,1-biphenyl। इसमें आपका दो बेंजीन रिंग है जो कि एक बॉन्ड से अटैच है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये फ्लेक्सिबल है इन कंपेरिजन विद दिस वन। ये आपका स्ट्रक्चर है 9H फ्लोरिन का। यहाँ पर आपके दो बेंजीन रिंग है और ये साइक्लोपेंटेन से अटैच है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो रिजिड है, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें जो दोनों बेंजीन रिंग है वो थोड़ा अलग अलग है, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो हमने क्या पढ़ा, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी है, फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। और जो रिजिड स्ट्रक्चर होता है इसमें आपकी जो फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल होते हैं। इसमें हमारा दूसरा फैक्टर होता है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। इसमें आपके सॉल्वेंट के तीन तरह के इफेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। पहला इफेक्ट होता है विस्कोसिटी। अगर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी बढ़ेगी तो उसका जो फ्लोरोसेंस है वो भी बढ़ेगा। दूसरा फैक्टर है इसमें हैवी एटम्स इन सॉल्वेंट। अगर आपके सॉल्वेंट में हैवी एटम्स प्रेजेंट हैं तो ऐसे एटम्स क्या करेंगे, फ्लोरोसेंट की इंटेंसिटी को कम कर देंगे, क्योंकि जो हैवी एटम्स होते हैं वो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करते हैं जिसकी वजह से वो ट्रिपलेट स्टेट में चले जाते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो ट्रिपलेट स्टेट में चले जाएंगे तो वो फ्लोरोसेंट शो नहीं करेंगे, बल्कि वो क्या शो करने लगेंगे, फॉस्फोरेसेंस शो करने लगेंगे। तो हैवी एटम्स अगर आपके सॉल्वेंट में प्रेजेंट होगा तो इससे फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी कम होती है, लेकिन जो फॉस्फोरेसेंस है वो यहाँ पर बढ़ जाता है। तीसरा होता है इसमें आपका चेंज इन पोलैरिटी अफेक्ट फ्लोरोसेंट बिहेवियर। तो अगर पोलैरिटी चेंज होगी किसी भी सॉल्वेंट की तो उससे भी जो फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी है वो अफेक्ट हो सकती है। तो ये बेसिकली तीन इफेक्ट होते हैं सॉल्वेंट की वजह से। इसका हमारा नेक्स्ट फैक्टर होता है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो उसमें जिस तरह के कंपाउंड्स प्रेजेंट है या जिस तरह के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं तो उनका क्या इफेक्ट होता है फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी पे। तो इसमें आपके तीन तरह के दिए हुए हैं। पहला ग्रुप वो होते हैं जो कि फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, ग्रुप्स इंक्रीजेस फ्लोरोसेंस। तो ये किस तरह के ग्रुप होंगे, OH हाइड्रोक्सी ग्रुप हो सकता है आपका, मिथॉक्सी ग्रुप हो सकता है, इथॉक्सी ग्रुप हो सकता है, साइनाइड ग्रुप हो सकता है, NH2 हो सकता है और NO2 हो सकता है। इस तरह के जितने भी ग्रुप्स हैं अगर वो किसी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हैं तो वो फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे। दूसरा होता है इसमें ग्रुप्स डिक्रीजेस फ्लोरोसेंस। तो ये कौन से हैं, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO एल्डिहाइड, COR कीटोन, COOR एस्टर और फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन। तो इस तरह के जो ग्रुप्स हैं आपके, मान ली एसिड हो गए, एल्डिहाइड हो गए, कीटोन हो गए या हैलाइड्स हो गए, इस तरह के ग्रुप अगर किसी भी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हैं तो वो फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी को कम कर देते हैं। तीसरा होता है इसमें ग्रुप्स हैविंग नो इफेक्ट, ऐसे ग्रुप्स जिनका इंटेंसिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ऐसे ग्रुप्स होते हैं आपके SO3H और NH4+। ये दो तरह के ग्रुप ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि किसी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो फिर भी उसका कोई भी इफेक्ट फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी पे नहीं पड़ता है। तो बेसिकली तीन तरह के ग्रुप होते हैं जो कि इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है इसमें आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीजेस सो फ्लोरोसेंस इंक्रीजेस। अगर किसी भी सैंपल का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी है वो भी इंक्रीज होगी। टेम्परेचर आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है फ्लोरोसेंस के। नेक्स्ट है इसमें आपका इफेक्ट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। जो आपके सैंपल है अगर उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इंटेंसिटी पे। तो इसमें दिया हुआ है ड्यू टू इट्स पैरामैग्नेटिक नेचर मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंसेस इंटर सिस्टम क्रॉसिंग रिड्यूसेस फ्लोरोसेंस।
तो इफेक्ट ऑफ डिसॉल्वड ऑक्सीजन, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। मेनली आपका ये फॉस्फोरेसेंस में हमने देखा था कि अगर टेम्परेचर या ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है किसी भी सैंपल में तो उसके वजह से जो फॉस्फोरेसेंस है वो प्रोड्यूस होता है। तो अगर फॉस्फोरोसेंस प्रोड्यूस होगा तो फ्लोरोसेंस कम होगा, या तो कंपाउंड फ्लोरोसेंस हो करेगा या फिर फॉस्फोरोसेंस हो करेगा। तो इसमें आपका क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है डिसॉल्वड ऑक्सीजन अगर किसी भी सैंपल में प्रेजेंट है तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, और इस नेचर की वजह से वो क्या होता है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कर लेता है। इसका मतलब है कि वो अपने सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में ना रह के ट्रिपलेट स्टेट में चले जाता है, और इस वजह से वो फ्लोरोसेंस शो नहीं करके फॉस्फोरोसेंस शो करता है। तो इस वजह से अगर किसी भी सैंपल में डिसॉल्वड ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी कम हो जाएगी और फॉस्फोरोसेंस की इंटेंसिटी वहां पर आ सकती है। नेक्स्ट फैक्टर है इसमें आपका इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अगर हमने सैंपल का कंसंट्रेशन ज़्यादा रखा है या कम रखा है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी पे। इसमें आपका दिया हुआ है फ्लोरोसेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कोई भी इंटेंसिटी है वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन की। ये आपका बियर्स लैम्बर्ट लॉ भी कहता है, एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो जितना ज़्यादा कोई भी मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज़्यादा वो लाइट को इमिट करेगा। ये एक बेसिक प्रिंसिपल होता है फ्लोरोसेंस का। तो इस हिसाब से अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो फ्लोरोसेंस कम होता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है, वो है आपका एट हाई कंसंट्रेशन मेनली मोर देन 50 माइक्रोग्राम पर ml कंसंट्रेशन इट डज नॉट ओबे लिनियरिटी। अगर कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाए, हाई मतलब कि मोर देन 50 माइक्रोग्राम पर ml हो जाए, तो उस कंडीशन में ये वाला जो रूल है वो यहाँ पर लागू नहीं होता है। जो आपका यहाँ पर ग्राफ है वो लिनियरिटी को फॉलो नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल में मैंने यहाँ पर दो ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ बना है आपका फ्लोरोसेंस और कंसंट्रेशन के वर्सेस में। एक्स एक्सिस में आपका कंसंट्रेशन और वाई एक्सिस में आपका फ्लोरोसेंस है। ये जो आपको लाइन दिख रहा है ये लिनियरिटी लाइन है, ठीक है। और लो कंसंट्रेशन में हमें इस तरीके का लाइन या इस तरीके का ग्राफ हमें देखने के लिए मिलता है, लेकिन अगर कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाए यानी कि मोर देन 50 माइक्रोग्राम पर ml हो जाए, तो उस कंडीशन में हमें ग्राफ लीनियर ना मिलके इस तरीके से बैंड कंडीशन में मिलता है। इसीलिए इस कंडीशन में आपका ये जो कंसंट्रेशन वाला लॉ है वो लिनियरिटी को ओबे नहीं करता है, और इसके बारे में हम अभी डिटेल में और पढ़ेंगे। नेक्स्ट फैक्टर है इसमें आपका pH। pH डिपेंड्स ऑन केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जो भी केमिकल का स्ट्रक्चर है वो pH पे भी डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल हम ले लें फिनॉल का। अगर हमने फिनॉल लिया है और उसको हमने दो तरह के pH में डिसॉल्व किया या दो तरह के सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है, एक सॉल्वेंट है आपका एसिडिक, मान लीजिए हमने HCl यूज़ किया, और दूसरा सॉल्वेंट है एल्केलाइन यानी कि हमने NaOH यूज़ किया। तो दो तरह का यहाँ सॉल्वेंट हो गया जिसका अलग अलग pH है, एक एसिड है और एक बेस है। तो एसिडिक कंडीशन में फिनॉल क्या होता है, अनडिसोसिएटेड रहता है, और इस वजह से यहाँ पर फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस नहीं होता है। लेकिन अगर हम सॉल्वेंट चेंज कर दें, अगर हम एल्केलाइन सॉल्वेंट लें, तो यहाँ पर ये जो फिनॉल है वो डिसोसिएटेड फॉर्म में रहता है और फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से pH का इफेक्ट पड़ता है फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें क्विंचिंग। क्विंचिंग आपका अलग से भी दिया हुआ है, लेकिन ये आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लोरोसेंस के अंडर में ही आता है, तो इसे भी आज हम कवर करेंगे। क्विंचिंग क्या होता है आपका, इट रिफर्स टू एनी प्रोसेस दैट डिक्रीजेज द फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल और सैंपल। कोई भी ऐसा प्रोसेस या कोई भी ऐसा रीज़न जिसके वजह से किसी भी कंपाउंड की या किसी भी मॉलिक्यूल की फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी कम होती है उसे कहा जाता है क्विंचिंग। और ऐसे कंपाउंड्स जो कि फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी को कम करते हैं उन्हें कहा जाता है क्विंचर्स। इसमें मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है। ग्राफ में आप देखिए, ये जो आपको ग्रीन वाला ग्राफ दिख रहा है ये अनक्विंचिंग ग्राफ है, या कहना चाहिए नॉर्मल ग्राफ है, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी सैंपल में या किसी भी कंपाउंड में क्विंचर्स प्रेजेंट होंगे जो कि उस कंपाउंड की फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी को कम करेंगे, तो उस कंडीशन में हमारा जो ग्राफ है वो इस तरीके से छोटा हो जाता है। नॉर्मल कंडीशन से छोटा ग्राफ हमें देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली ये इफेक्ट होता है आपके क्विंचर्स का। तो आपका ये जो क्विंचिंग है वो चार टाइप का होता है। पहला टाइप है इसमें आपका कोलाइजनल क्विंचिंग। कोलाइजनल क्विंचिंग नाम से पता चल रहा है, इसमें आपका क्या होगा, कोलाइजन के वजह से जो इंटेंसिटी है वो कम होगी। इसमें दिया हुआ है आपका ऑकर्स बाई इंटरेक्शन ऑफ क्विंचर्स। क्विंचर्स को हम यहाँ पर हमेशा क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑकर्स बाई इंटरेक्शन ऑफ क्विंचर्स मॉलिक्यूल्स विथ एन एक्साइटेड मॉलिक्यूल एफ। तो ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्साइटेड मॉलिक्यूल को एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और क्विंचर को क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें आपका क्या होता है, जो भी क्विंचर्स हैं वो किसके साथ कोलाइड हो रहे हैं, एक्साइटेड मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड हो रहे हैं। तो जैसे ही वो एक्साइटेड मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड होंगे उनमें एनर्जी का ट्रांसफर हो जाएगा, और इसके वजह से जो आपका एनालाइट है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अब जैसे एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है,
एफ यानी कि ये ग्राउंड स्टेट का मॉलिक्यूल है, जब हमने इसमें लाइट प्रोवाइड की, एच वी यानी कि लाइट, तो हमने ग्राउंड स्टेट में जब लाइट प्रोवाइड की तो ये जो मॉलिक्यूल है एफ वो क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्व कर लेगा और एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। स्टार का मतलब होता है एक्साइटेड स्टेट। तो आपका ये जो एफ था जो ग्राउंड स्टेट में था वो लाइट एब्जॉर्व करके किस में गया, एफ स्टार में गया, या कहना चाहिए एक्साइटेड हो गया। अब इसके बाद ये जो मॉलिक्यूल है वो नॉर्मल कंडीशन में क्या करेगा, वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा यानी एफ के कंडीशन में आएगा और एनर्जी इमिट करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर क्विंचर प्रेजेंट हो यानी कि क्यू यहाँ पर अगर प्रेजेंट हो तो आपका ये जो एफ स्टार है यानी कि जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है वो इसके साथ कोलाइड हो जाएगा और इसके पास जो एनर्जी है एफ स्टार के पास उसको ये ट्रांसफ़र कर देगा क्यू में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो एफ की एनर्जी थी वो किस में ट्रांसफ़र हो गई, क्यू में ट्रांसफ़र हो गई, तो क्यू एक्साइट हो गया या कहना चाहिए ये क्यू स्टार बन गया, और जो एफ था एफ क्या हुआ, नॉर्मल हो गया। यहाँ पर कोई भी एनर्जी एफ की नहीं बची, जो भी एनर्जी थी वो किस में चली गई, क्यू में चली गई। तो अब देखिए यहाँ पर जो क्यू है जब वो वापस आएगा अपने ग्राउंड स्टेट में तो वो अपना एक इंटेंसिटी शो करेगा, और हमारा जो एफ है जो हमारा मेन यहाँ पर एनालाइट था, जो कंपाउंड था जिसका हमें इंटेंसिटी देखना था, वो यहाँ पर इंटेंसिटी नहीं देगा क्योंकि इसके पास एनर्जी ही नहीं बचा। इसका जो भी एनर्जी था वो उसने किसको दे दिया, क्यू को दे दिया, और क्यू अपना यहाँ पर एनर्जी शो करेगा जबकि ये जो एफ है वो कोई भी एनर्जी शो नहीं करेगा। तो ये इफेक्ट होता है आपके कोलाइजनल क्विंचर्स का। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो कोलाइजनल क्विंचर में होता है आपका हैलाइड आयंस, जैसे कि क्लोराइड हो गया या आयोडीन हो गया। इस तरह के जो हैलाइड आयंस होते हैं, क्लोराइड या आयोडाइड, ये किसी भी अगर सैंपल में प्रेजेंट है तो वो उस सैंपल के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे जो हमारा सैंपल है वो किसी भी तरीके का फ्लोरोसेंस शो नहीं करता है। ये था आपका कोलाइजनल क्विंचर्स। सेकेंड होता है इसमें आपका स्टैटिक क्विंचिंग। स्टैटिक क्विंचिंग में क्या होता है, ऑकर्स एट ग्राउंड स्टेट, जीएस यानी कि ग्राउंड स्टेट, ऑकर्स एट ग्राउंड स्टेट ऑफ फ्लोरोसिंग मॉलिक्यूल, ये आपका बेसिकली ग्राउंड स्टेट में ही हो जाता है। इस कंडीशन में क्या हो रहा था, एक्साइट होने के बाद ही अपना एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा था, लेकिन स्टैटिक में क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में ही यहाँ एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे एग्जांपल लिया जाए तो एफ हमारा ग्राउंड स्टेट का मॉलिक्यूल है जिसे हमें फ्लोरोसेंस में मेजर करना है, तो एफ हमारा मॉलिक्यूल हुआ। अब मान लीजिए यहाँ पर क्विंचर प्रेजेंट है, क्यू प्रेजेंट है, तो ये जो दोनों है एफ और क्यू ये आपस में कॉम्प्लेक्स का यहाँ फॉर्मेशन कर लेंगे। तो अब जब इस कॉम्प्लेक्स में लाइट पड़ेगी तो जो भी लाइट है वो कौन एब्जॉर्व कर लेगा, आपका क्विंचर एब्जॉर्व कर लेगा और वो एक्साइट हो जाएगा, और यहाँ पर जो आपका एफ है वो किसी भी तरीके का लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा ना ही एक्टिवेट हो पाएगा। और आपका ये जो क्यू है यहाँ पर जो एक्साइट हुआ है, जब ये वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से जो एफ है ये एब्जॉर्बेंस शो नहीं कर रहा है, इसकी जगह पे कौन कर रहा है, क्विंचर कर रहा है। क्विंचर करेगा तो इससे क्या होगा, हमारा जो एनालाइट है जिसकी हम इंटेंसिटी लेना चाह रहे हैं वो लाइट ही एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो वो लाइट इमिट भी नहीं कर पाएगा, जिससे हमें एनालाइट का यहाँ पर कोई भी इंटेंसिटी देखने के लिए नहीं मिलेगा। यह आपका होता है स्टैटिक क्विंचिंग। इसमें एग्जांपल है आपका कैफीन एंड प्यूरिन रिड्यूसेस इंटेंसिटी ऑफ राइबोफ्लेविन। जैसे कि मान लीजिए हमें राइबोफ्लेविन का इंटेंसिटी चेक करना है, फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी चेक करना है, तो अगर राइबोफ्लेविन के साथ में कैफीन या प्यूरिन वहाँ पर प्रेजेंट होगा तो ये जो कैफीन और प्यूरिन है ये क्विंचर का काम करेंगे। ये क्या करेंगे, जो राइबोफ्लोविन है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेंगे और कैफीन और प्यूरिन एक्टिवेट हो जाएंगे, जबकि राइबोफ्लोविन एक्टिवेट हो ही नहीं पाएगा। तो हमें रीडिंग किसका लेना था, राइबोफ्लोविन का लेना था, लेकिन रीडिंग आएगा किसका, कैफीन या प्यूरिन का आएगा। तो इस कंडीशन में जो हमारा एनालाइट है वो यहाँ पर इंटेंसिटी शो नहीं करता है, जो क्विंचर्स होते हैं वो यहाँ पर इंटेंसिटी शो करने लगते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका थर्ड, कॉन्सेंट्रेशन क्विंचिंग। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल्फ क्विंचिंग, occurs when concentration of molecules increases, so intensity is decreases. यहाँ पर हमने जो concentration के बारे में पढ़ा था, effect of concentration, वही इसमें detail में explain किया गया है। इसमें क्या बोला गया है, यह आपका एक टाइप का सेल्फ क्विंचिंग होता है। सेल्फ यानी कि इसमें कोई अदर क्विंचर प्रेजेंट नहीं है, बल्कि जो एनालाइट है वो खुद ही अपने आप में क्विंचिंग का प्रोसेस शो कर रहा है। ये किस कारण से होता है, अगर जो कॉन्सेंट्रेशन है एनालाइट का या मॉलिक्यूल का अगर वो ज़्यादा बढ़ जाए, ज़्यादा यानी कि कितना, 50 माइक्रोग्राम पर ml से ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है इसमें आपका केमिकल क्विंचिंग, केमिकल्स की वजह से कैसे यहाँ पर इंटेंसिटी लो होती है। तो इसमें आपका दिया हुआ है, ऑकर्स ड्यू टू वेरिएशन इन pH
ऑक्सीजन, हैलाइड, हैवी मेटल एक्सेट्रा। तो केमिकल क्विंचिंग किस वजह से होगा? या तो हमारे सैंपल में कोई डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, या फिर पीएच वेरी करे, या फिर उसमें कोई हैवी मेटल प्रेजेंट हो, या फिर आपका कोई हैलाइड आयन प्रेजेंट हो। तो इस तरह के जितने भी फैक्टर्स हैं, अगर वो किसी भी एनालाइट के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसमें हमारा केमिकल क्विंचिंग देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर पीएच का पढ़ा था, पीएच में भी क्या है, अलग अलग सॉल्वेंट में क्या हो रहा था, फ्लोरोसेंस आ रहा था और नहीं आ रहा था। वैसे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का भी हमने यहाँ पर पढ़ा था, इंटरक्रॉसिंग हो जाता है जिसके वजह से फ्लोरोसेंस की जगह फॉस्फोरोसेंस आने लगता है। तो इस तरह के जो फैक्टर्स होते हैं, मेनली आपका जो पीएच है, ऑक्सीजन है, इस तरह के फैक्टर्स आपके केमिकल क्विंचिंग के एग्जाम्पल होते हैं। अब हम एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ क्विंचर्स क्या होते हैं और किस तरह के एनालाइट में वो इफेक्ट शो करते हैं। तो मैंने यहाँ दिया एग्जाम्पल ऑफ क्विंचिंग एजेंट्स, ऐसे एजेंट्स जो कि फ्लोरोसेंट की इंटेंसिटी को कम करते हैं। तो एक साइड पे क्यू लिखा है, क्यू यानी कि ये क्विंचर्स हैं और एफ यानी कि ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिसे हम एनालिसिस करना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमें एंथ्रासीन का एनालिसिस करना है और अगर उसमें थायोसाइनेट प्रेजेंट हो, तो ये जो थायोसाइनेट है वो एंथ्रासीन की इंटेंसिटी को यहाँ पर कम कर देगा। दूसरा एग्जाम्पल है क्विनीन, अगर हम क्विनीन का फ्लोरोसेंस लेना चाहते हैं तो अगर इसमें क्लोराइड प्रेजेंट होगा तो ये क्या करेगा, इसकी इंटेंसिटी को, क्विनीन की इंटेंसिटी को यहाँ पर कम कर देगा। नेक्स्ट है नेप्थलिन, अगर नेप्थलिन का हम फ्लोरोसेंस ले रहे हैं और अगर उसमें किसी तरीके का नाइट्रिक ऑक्साइड प्रेजेंट है तो ये भी यहाँ पर एज अ क्विंचर काम करेगा और हमें नेप्थलिन का प्रॉपर रीडिंग नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट है टायरोसिन, टायरोसिन में अगर डाइसल्फाइड प्रेजेंट होगा तो ये क्या करेगा, टायरोसिन की जो इंटेंसिटी है उसको बदल देगा या कम कर देगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं आपके क्विंचिंग एजेंट्स के। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।